नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ESIC UDC का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप UDC MTS एंड स्टेनो ये तीनों के लिए इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। मतलब क्योंकि जो GA का लेवल होगा वो MTS UDC और स्टेनो तीनों में ही लगभग लगभग बराबर रहने वाला है, ठीक है। और हम इसमें बात करेंगे कि आप जो है GA सेक्शन यानी कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है इसको कैसे टैकल करें। काफ़ी छोटा वीडियो होगा लेकिन टू द पॉइंट बातें होंगी। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है, वहाँ टाइप करना है @thefinaltouch, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी मटेरियल्स होंगे वह आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी शेयर की गई हैं, आप उन PDF से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। और बाकी और भी जो भी जरूरी चीज़ें होंगी आपके लिए मैं वहाँ शेयर कर दूँगा। चलिए अब बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी की। तो दोस्तों आपका इसमें 25 क्वेश्चन प्री में आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन प्री में आएंगे और 50 क्वेश्चन जो है आपके मेंस में आएंगे, ठीक है। और प्री में एक क्वेश्चन जो है दो नंबर का होगा, ठीक है। यानी कि 50 मार्क्स के आपके प्री में क्या आ जाएंगे, GA आ जाएगा और मेंस में एक क्वेश्चन एक मार्क्स का रहेगा, यानी इसमें भी कुल मिलाकर 50 नंबर का GA आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस यहाँ पे बढ़ जाएंगे बस, और जो पर क्वेश्चन मार्क्स है यहाँ एक नंबर हो जाएगा और प्री में जो है एक क्वेश्चन पे दो नंबर रहता है, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखिए आपको इसमें क्या क्या मोस्टली सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो मिलेगा आपका 70% के आसपास जो होगा वह आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद आप मान के चलिए कि 20% के आसपास आपको स्टैटिक GK देखने को मिलेगा, ठीक है, स्टैटिक GK आपको देखने को मिलेगा। और जो बचा हुआ 10% होगा इसमें आपको बैंकिंग और जो है बैंकिंग अवेयरनेस तो शायद कम ही दिखेगा, इसमें आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस मिल सकता है, इंश्योरेंस अवेयरनेस मिल सकता है, ESIC से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। उसके बाद आपका जैसे पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब आपको इस 10% में मिल सकता है, ठीक है। तो अब जो फोकस्ड एरिया होना चाहिए, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो ये आपको करना चाहिए ये 70% वाले पे और 20% वाले पे। मतलब सबसे ज़्यादा फोकस आपको अगर मैं यहाँ पे 3-स्टार रेटिंग दूँ तो सबसे ज़्यादा रेटिंग मैं दूंगा करंट अफेयर को। और ये ऐसा सेक्शन है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और आप इसमें स्कोर कर लेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है और कहाँ से करना है, और वो मैं जो आपको मटेरियल होगा वो भी प्रोवाइड करा दूँगा जिससे कि आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। मैं करंट अफेयर की वीडियो तो प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, लेकिन आपको मैं PDF वगैरह प्रोवाइड करा दूँगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ब्रेकिंग है, इसका समझ में आ गया कि 70% करंट अफेयर आएगा, 20% स्टैटिक आएगा और बाकी इंश्योरेंस अवेयरनेस वगैरह आएगा, ठीक है। अब चलिए बताते हैं कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में होता है, ठीक है। लेट से कि ये एग्ज़ाम आपका 20 मार्च को हो रहा है, ये कोई फिक्स डेट नहीं, मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ। यानी मान लीजिए आपका एग्ज़ाम मार्च में हुआ, अप्रैल में हुआ, जब भी हुआ, तो उस एग्ज़ाम से है ना, जैसे मान लो कि 20 मार्च को अगर एग्ज़ाम है आपका, तो आपको क्या करना है कि लगभग जो है 10 मार्च तक के करंट अफेयर करने होंगे, ठीक है। और ये जो 10 मार्च है, कभी कभी तो 4 दिन पहले का पूछ लेता है, तो आप चाहें तो 15 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 तक जो है सेफ रहता है, 10 मार्च तक करना है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक करना है, तो इसके लिए जो है देखिए, अगर मार्च में आपका पेपर है तो मार्च से 4 महीने पहले चले जाइए, ठीक है। यानी ये कि आपको जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। तो दिसंबर से लेकर के और मार्च तक के जो करंट अफेयर हैं वो आपको कर डालने हैं। ये आपको सबसे ज़्यादा, मतलब इनको तो छोड़ना ही नहीं है, ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आपके लगभग जो 70% करंट अफेयर आएगा ना, उसमें आपके लगभग 70% से 80% क्वेश्चन आपको इन्हीं महीनों से मिलेंगे। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा सेफ खेलना है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो है अक्टूबर से, ठीक है, अक्टूबर से और 10 मार्च तक करंट अफेयर कर लेंगे। अगर 20 मार्च को पेपर होता है तो, यानी जी एग्ज़ाम जब भी हो रहा है तो वहाँ से आप मान के चलिए कि 5 महीने 6 महीने पीछे तक कर लेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाने हैं, ठीक है। तो प्रिफरेबल है 4 महीने पहले तक का, और अगर आपको सेफ साइड में जाना है तो आप जो है पिछले 6 महीने का करंट अफेयर कर लीजिएगा। कहाँ से करना है ये बता रहा हूँ अब जो है, ये मैंने बता दिया कब से कब तक करना है, कहाँ से करना है ये बताता हूँ। देखिए 2-3 सोर्सेस हैं, मैं आपको बताऊंगा, आप सब चेक कर लेंगे, जो अच्छा लगेगा आप कर लीजिएगा। सबसे पहला जो है आपका जो डॉक्टर गौरव गर्ग सर है Study IQ वाले, उनका जो 300 बेस्ट MCQ होता है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। 300 बेस्ट बाई
स्टडी आईक्यू, ये आप देख सकते हैं पहला। दूसरा सोर्स है, दूसरा सोर्स है आपका जो है अफेयर्स क्लाउड। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड जो है आप अगर इसको भी देख लेंगे, इसका जो मंथली पीडीएफ आता है ना, आप बस उसको देख लीजिए। मंथली पीडीएफ काफ़ी लगभग 300-350 पेज का होता है। ठीक है, 300 प्लस पेजेस का होता है। तो ये अफेयर्स क्लाउड का आप मंथली अगर पीडीएफ देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए, जो 300 बेस्ट एमसीक्यू का वीडियो देखेंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि पीडीएफ पे उतना ज़्यादा डिटेल चीज़ें नहीं होती हैं, वो बस पीडीएफ में आपको एक वन लाइनर फॉर्म में मिल जाएगा जो स्टडी आईक्यू वाला है। लेकिन अगर आप जो है इसको डिटेल में देखेंगे, वीडियोज़ देखेंगे उनके 300 बेस्ट एमसीक्यू के, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो मैं तो प्रीफर यही करूँगा कि आप ये बेस्ट 300 वीडियो हैं ये देख लें उनके। लेकिन वो प्रीमियम यूजर्स के लिए, तो आप चाहे तो उसको कहीं से भी देख सकते हैं, प्रीमियम मेंबरशिप लेके देख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप अफेयर्स क्लाउड जो है अफेयर क्लाउड से भी कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए कि ये दोनों पेड सोर्सेज हैं, ठीक है, अफेयर्स क्लाउड भी आपको पेड मेंबरशिप लेनी पड़ती है और ये डॉक्टर गोरोगर का भी पेड मेंबरशिप लेना पड़ता है। ठीक है, आप लोग बोलेंगे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको। और देखिए, अब आते हैं एक और सोर्स है, फ्री सोर्स, ये है राहुल मिश्रा सर। ठीक है, राहुल मिश्रा सर जो है, तो इनका जो मंथली करंट अफेयर का पीडीएफ होता है काफ़ी अच्छा होता है, मैंने पर्सनली देखा है उसको, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो आप चाहें तो उनके इनके पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है, मंथली कंपाइलेशन। ठीक है, तो ये दो तीन सोर्सेज हैं करंट अफेयर के, आई थिंक इतना आप कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा है। और एक गौतम सर भी हैं कोई, तो आप उनकी वीडियो भी देखेंगे, वो वीकली जो उनका करंट अफेयर है ना, वो आप देखेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तो इन तीन चार सोर्सेज से आप करंट अफेयर कर लीजिए, जो आपको बेटर लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका करंट अफेयर का। अब दूसरा पोर्शन आता है स्टैटिक जीके का, स्टैटिक जीके। और दोस्तों, जो करंट अफेयर आप करेंगे ना, तो उसको आपको बार बार रिवाइज करना है और क्विज़ वगैरह देते रहना है, जिससे क्या होगा कि चीज़ें रिकॉल होते रहेंगे दिमाग में, तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब स्टैटिक के लिए क्या करना है, देखिए स्टैटिक के लिए मैंने सोचा है कि मैं आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप लोग बोलोगे तो। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आप लोगों के रिस्पॉन्स पर। अगर इस वीडियो पर 25-30 लोग भी कमेंट कर देते हैं कि स्टैटिक जीके का चाहिए हमें, स्टैटिक जीके का कंटेंट हमें चाहिए, तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन कम से कम 20-25 लोग इंटरेस्टेड तो हों, किसके लिए हम बनाएं। ठीक है, तो स्टैटिक जीके हम करा देंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो, और काफ़ी अच्छे वे में कराएंगे, आपके क्वेश्चन वहाँ से ही फंसने हैं। ठीक है, तो उसका टेंशन आप मत लीजिएगा। अगर आपको बुक पढ़ना है तो आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा स्टैटिक जीके के लिए। ठीक है, रटने वाली चीज़ें रटना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और ऐसा कोई ट्रिक व्रिक नहीं होता है, आप जब रटेंगे उसको रटना मत, सेंस क्या कि बार बार पढ़ना। जब एक ही चीज़ को आप 20 बार पढ़ेंगे तो क्या है, नहीं याद होगा यार। डेली एक बार रिवाइज मार लीजिए, डेली एक बार रिवाइज मार लीजिए, चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो सबको याद होता है भाई, अगर आप एक ही चीज़ को 10-15 बार पढ़ लोगे ना, तो वो भूलनी ही नहीं है। ठीक है, आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। रिवीजन इज़ द की, स्टैटिक हो या फिर करंट हो या फिर कोई भी जीके का टॉपिक हो, रिवीजन इज़ द की। ठीक है, रिवीजन इज़ द की, रिवीजन इज़ द की। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप कितना भी कहीं से भी पढ़ लें, कुछ नहीं होने वाला है। रिवीजन करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका स्टैटिक जीके का हो गया, और बाकी जो 10% बच रहा है उसके लिए भी लूसेंट आप कर लेंगे तो काफ़ी है। ठीक है, लूसेंट से हो जाएगा, लेकिन मैं तो ये बोलूँगा कि पहले करंट अफेयर पर फोकस रखो, जब 4-5 महीने करंट अफेयर हो जाए तो आपको लूसेंट पे, सॉरी, उसके बाद आपको स्टैटिक जीके करना है। ठीक है, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर इतना करने के बाद भी समय बच रहा है आपके पास, तो फिर आप जो है 10% जो बचा हुआ है हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, उस पर आप जा सकते हो, और बाकी मॉक टेस्ट वगैरह रेगुलर लगाते रहना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए और रीजनिंग के लिए भी, उसके बाद मॉक टेस्ट कौन सा लें, मॉक टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करें, ठीक है, मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करें, इन सब बारे में, इन चीज़ों के बारे में भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।